हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक और नया डिश, और ये डिश है मटरी। हाँ, पर हम बनाएंगे जो मटरी वो रेगुलर वाली मटरी नहीं होगी। हम उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स डालेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको टेस्ट में, और हम बनाएंगे पालक की मटरी। हाँ, चलिए मिलकर बनाते हैं हम पालक की मटरी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पालक की प्यूरी को तैयार करके रखा है। मैंने यहाँ पे दो बड़े बंचेस ऑफ पालक को ब्लांच कर दिया। ब्लांच करने के लिए बस गर्म पानी में इसको ही ब्लांच किया था थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको ठंडे पानी में शिफ्ट कर दिया सो एज टू रिटेन द ग्रीननेस ऑफ दिस पालक। ठीक है, फिर जैसे ही ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको ब्लेंड किया, ग्राइंड कर दिया, और ग्राइंड करते टाइम मैंने इसमें डाला है नमक और एक ड्राई रेड मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, इतना डाल के मैंने इसको ग्राइंड करके तैयार करके रखा है। ठीक है, और बस इसको डाल के हम, एंड दिस इज़ 150 ml यू कैन से, ओके। इसका भी हम पूरा नहीं डालेंगे, हम ग्रेजुअली इसमें डालते जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम सारा ही प्यूरी डाल दें और हमारा जो मैंने यहाँ पे रिफाइंड फ्लावर लिया है, दिस इज़ 400 grams, ये अगर ज़्यादा इसमें डल गया और बहुत ही सौगी सौगी हो गया डो, तो फिर हमारा मटरी ठीक से नहीं बनेगा। इसीलिए मैं इसको ग्रेजुअली इसमें डाल के मिलाती जाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे वो है, 400 ग्राम्स ऑफ मैदा लिया है, उसमें मैं स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, और क्योंकि मैंने उसमें भी सॉल्ट डाला है तो उस हिसाब से मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। ओके, उसको हम मिक्स कर देंगे। देन मैं इसमें डालूंगी अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ कैरम सीड्स। देखिए, हम रेगुलर वाला मटरी नहीं बना रहे हैं तो इसमें थोड़े से चेंजेस तो होंगे ही। ठीक है, तो कैरम सीड्स 1/2 teaspoon मैंने डाल दिया, इसको भी मैं कर देती हूँ मिक्स। इसमें अभी मैं डालूंगी सूजी। ठीक है, थोड़ा खस्तापन के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 2 tablespoon ऑफ सूजी, इसको भी मैं कर दूंगी मिक्स। ओके, अब हम इसमें मोयन देंगे। ओके, एज आई हैव ऑलवेज सेड कि मोयन देना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप निमकी बना रहे हैं, चाहे आप मटरी बना रहे हैं, तो ये जो मोयन वाला पार्ट होता है ये सबसे अहम हिस्सा होता है। और इसको ऐसे रब करते करते हम सारा मैदा को कोट कर देंगे। मैंने हमेशा से हर वीडियो में जिसमें मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, मैं पहले ही बोलती हूँ कि ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर आपका ये वाला स्टेज परफेक्ट है तो आपका एंड रिजल्ट परफेक्ट होगा, अगर आपको खस्तापन चाहिए। और हमेशा से मोयन देने के बाद एक बार देखिए कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं, एक क्रूड सा बाइंड होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा और घी डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोयन परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, ये बंध रहा है ना। ओके, ये बंध रही है तो मैं इसमें और घी नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा घी डालने से भी दिक्कत है। ओके, तो मैंने इसमें डाला है 1.5 tablespoon, मतलब 1 tablespoon और 1/2 tablespoon। ठीक है, सो 1.5 tablespoon ऑफ देसी घी मैंने इसमें डाला है। हम इसमें
पालक की प्यूरी डालेंगे। तो पालक की प्यूरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पालक की प्यूरी ग्रेजुअली डालती जाऊंगी, और अगर उसी में इनफ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम और थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज टू लार्ज बंचेस। देखिए बंच का जो साइज़ होता है ना, वो डिफ़र करता है प्लेस टू प्लेस। कोई छोटा बंच बनाते हैं, कोई बड़ा बंच बनाते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। एंड करते टाइम इसमें ड्राई रेड चिली डाला था अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए, हमेशा मैदे को ना ऐसा थोड़ा सा गूंदने के बाद एक बड़ा परात या कोई प्लेट में डाल के थोड़ा अच्छे से और गूंदिए। ठीक है, तो हमारा जो ये 150 ml ऑफ प्यूरे था, उसके अलावा भी हमें और थोड़ा वाटर चाहिए है इसके साथ। हम इसमें ग्रेजुअली वाटर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, ऐड वाटर ग्रेजुअली। पहले से ही डो को सॉफ्ट नहीं कर दीजिए, क्योंकि हम डो को रेस्टिंग टाइम देंगे 10 मिनट का, तो उस 10 मिनट में डो क्या होगी, थोड़ी सी ढल जाएगी। तो अगर आप पहले से ही डो को बहुत सॉफ्ट बनाएंगे तो ढलने के बाद वो ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे ज़्यादा नरम डो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे एक सेमी सॉफ्ट बोल सकते हैं वैसा वाला डो होना चाहिए। तो इसीलिए जब पहले लेवल पे आप गूंथते हैं तो उसको आप हार्ड ही रखें। गूंदेंगे, कभी भी मैदे को गूंथते हैं तो उसको ऐसे हथेलियों से ज़रूर गूंदे। हम लोग जब आटा गूंथते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके गूंथते हैं, लेकिन जब मैदा गूंथते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं। इसके ऊपर भी हम हाफ टेबल स्पून घी डालेंगे। थोड़ा ताकत लगाइए ये डो बनाने के लिए, पर यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस डिश का। देखिए कितना ग्रीन ग्रीन अच्छा अच्छा दिख रहा है। इसको अब हम कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट्स। चलिए 10 मिनट्स तो हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमारा डो पूरी तरह तैयार है, अच्छे से ढल भी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये सेमी सॉफ्ट हो गई है। इसको एक बार और जेंटली नीड कर लेंगे और इसका छोटा छोटा पोर्शंस बना लेंगे। सारे डो को ढक के रख दीजिए, नहीं तो ये सूख जाएंगे। हम एक डो से शुरुआत करते हैं। ड्राई आटा डस्ट मत करिए, ओके? अगर आप ड्राई आटा डस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होएगी? अगर आप ड्राई आटा डस्ट करेंगे तो आपका जो ऑयल है, जिसमें आप मठरी हो या निमकी हो, जो भी फ्राई कर रहे हैं, वो पूरा वो आटा ऑयल में चली जाएगी और पूरा ऑयल गंदा हो जाएगा। ओके,
तो बस इसको ना ज्यादा थिक और ना ज्यादा थिन, शेप का बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि इसको हम अभी आइदर एक कुकी कटर या फिर ऐसे मेरे पास जैसे ये ग्लास है वैसे ग्लास की मदद से आप ऐसे गोल गोल शेप दे दीजिए। अच्छा, इसको ना हम दोनों तरफ से पोक कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ये मठरियाँ फूलें पूड़ियों की तरह, इसीलिए हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से पोक कर लेंगे। अच्छा मोइन होता है कि इसमें इसको रोल करते टाइम कुछ भी तेल वेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती रोलिंग बोर्ड पर। तो हमारी बनकर तैयार है और बाकियों को मैंने स्पिनच टुकड़ीज बना दिया है ताकि हमको दो वैरायटीज मिल सके। तो इसको ठंडा होने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये कितनी खस्ता बनी है। लली देखिए, टुकड़ीज तो एक लॉट यहाँ बनकर है और बाकी कढ़ाई में है, और ये भी जैसे आप सुन सकते हैं कितनी खस्ता बनी है। तो व्यूअर्स, दोस्तों, हमारी ये जो पालक की मठरियाँ और पालक की छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही खस्ता बनी है, और कभी कभी चाय के साथ या दूध के साथ हम इसको एकम्पनी कर सकते हैं, और ये खाने में थोड़ा सा वेरिएशन ले आती है। तो ऐसे ही वेरिएशन भरे कुछ कुछ डिशेस आप भी अपने घर में बनाइए अपने, और मेरे ये जो रेसिपीज़ हैं अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे भी अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर लिंक को शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी ऐसे आसान आसान रेसिपीज़ का आइडिया मिल जाए और वो भी अपने घर में इसको बहुत आसानी से रिक्रिएट कर पाएं। तो बस मन बनाइए और ऐसी ऐसी खस्ता खस्ता मठरियाँ बनाइए अपने घर में पालक के साथ और खूब एंजॉय करें। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए रेसिपी में, एक और नए वीडियो में, कुछ और आसान सा रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर से देखें, एंजॉय करें, और अगर उसमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप ले सकते हैं तो इससे मुझे बेहद खुशी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स जल्द ही
इमीडिएटली मिलते रहेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे एक नए और वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हेल्दी व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।